हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूनिट 10 फ्लाइंग मैन की पोयम और द टेलर एंड हिज फ्रेंड की स्टोरी सुनेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम फ्लाइंग मैन की पोयम पढ़ेंगे। रीड द पोयम अलाउड। फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग मैन, up in the sky, where are you going to fly so high? ये boy कहता है, flying man, एक flying man था, इस boy ने देखा flying man को, तो ये क्या बोलता है, flying man, up in the sky, where are you going to fly so high? आप sky में fly इतना ऊंचा कैसे कर लेते हैं? Where are you going to? फ्लाइंग सो हाई, कहाँ जा रहे हैं आप इतना ऊंचा ऐसे उड़ उड़ के? ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन, कांट यू टेक मी? माउंटेन्स के पास, सी के पास, फ्लाइंग मैन, कांट यू टेक मी? कहते हैं कि क्या आप मेरे को भी नहीं लेके जा सकते अपने साथ, ताकि मैं भी फ्लाई कर सकूँ और माउंटेन्स और सी देख सकूँ। तो इस पॉइंट पर हमने कुछ न्यू वर्ड सीखे हैं, फ्लाइंग, हाई, मैन, mountains, see, check. Let's read. The mountains are high. Mountains जो हैं बहुत high होते हैं, ऐसे ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं, वो बहुत high होते हैं। The birds are flying in the sky. Birds जो हैं sky में fly करती हैं। तो where does a flying man go? Flying man कहाँ जा रहा था? Flying man जा रहा था over the mountains and over the sea. Over the mountains and over the sea. इसमें हम लिखते हैं फर्स्ट आंसर, over the mountains and over the sea. What does the child want to do? Child क्या करना चाहता था? Child ही कहना चाहता था कि क्या तुम मुझे भी लेके जा सकते हो ऊपर? क्या तुम मुझे नहीं लेके जा सकते ऊपर? What does the child want to do? Child want to sky, want to fly so high. वो भी फ्लाई मैन के साथ बहुत ऊंचा उड़ना चाहता था। The child wanted to fly so high Let's stop. Can you guess who the flying man is? ये आपको just डिस्कशन करना है, ये आपका होमवर्क है। Let's share. Have you seen an aeroplane? देखा है तो यस लिखना, नहीं देखा तो नो लिखना। Let's pretend you are a pilot flying an aeroplane. आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक पायलट हो, आप एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हो, उड़ा रहे हो। What will you see outside your aeroplane? What will you see outside your aeroplane? तो आप अपने एरोप्लेन के बाहर क्या देखते हो? During the day, during at night. डे टाइम देखते हो, नाइट टाइम देखते हो? व्हाट विल यू सी इनसाइड योर एरोप्लेन? एरोप्लेन के अंदर क्या क्या देखते हो? से अलाउड, मग, मूव, मग, मदर, मड, मड मतलब मिट्टी, वास, वास मतलब जिसमें हम फ्लावर्स रखते हैं, वास पॉट को कहते हैं, वेव, व्यू, व्यू मतलब देखना, वैन, बोट, वेव, बॉल, वैक्स, विंड, Why? Note, nip, knee, knit, knot. Which word in the box sound like high? High जैसा एक इसमें कोई word है, which word in the box sounds like high? High मतलब ऊंचा, तो इसमें हम देखेंगे Which word rhymes with me? Knee. What shall I be when I grow up? हम बड़े होके कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, तो ये इसमें कुछ
दिया हुआ है आपको, आपको मैच करना है। अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, जो सेल्स अ शिप सेलर। अ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेसशिप, स्पेसशिप मतलब एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन ड्रॉ और पेंट, ड्रॉ और पेंट कौन करता है, आर्टिस्ट। अ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल, जो बीमार लोगों को ठीक करते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर। अ पर्सन हु ब्रिंग लेटर, लेटर कौन लेकर आता है, पोस्टमैन। अ पर्सन हु ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स कौन ग्रो करते हैं, फार्मर। अ पर्सन हु मेक्स क्लॉथ्स, क्लॉथ कौन बनाता है, टेलर। अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल, टीचर। अ पर्सन हु चेक्स टीथ, डेंटिस्ट। अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, एरोप्लेन कौन फ्लाई करता है, कौन उड़ाता है, पायलट। लेट्स रीड एंड राइट। W X Y Z W X Y Z W X Y Z W X Y Z W X Y Z। अगर आप इनकी रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से बनाना आ जाए। तो आपका Z तक यहाँ पे खत्म होता है, आप A टू Z अच्छे से लिखना, प्रैक्टिस करना कैपिटल लेटर्स की। अब हम स्टार्टिंग से अल्फाबेट्स लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब हम स्टोरी पे आते हैं, द टेलर एंड हिज फ्रेंड। एक टेलर था और उसका एक फ्रेंड था। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। कालू एक टेलर का नाम था, उसकी एक शॉप थी नदी किनारे, नियर द रिवर, नदी के पास उसकी एक शॉप थी। रिवर मतलब नदी, शॉप मतलब दुकान। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। वो क्या बनाता था, टेलर का काम क्या होता है, कपड़े बनाने, क्लॉथ्स बनाते हैं। तो उसने कलरफुल पैंट्स बनाता था, शर्ट्स बनाता था बच्चों के लिए। अपू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अपू जो कि एक एलिफेंट का नाम था वो उसका फ्रेंड था। अपू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अपू जो है रोज उसकी शॉप पर आता था। किसकी शॉप पे आता था, कालू की। कालू कौन था, टेलर था। कालू गेव मेनी नाइस थिंग्स टू ईट। कालू जो है, जो टेलर है वो उसको बहुत सारी चीजें देता था खाने के लिए, अपू को, एलिफेंट को देता था। वन डे कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक। एक दिन क्या हुआ, कालू के मन में क्या एक आइडिया आया, उसने एक ट्रिक प्ले करी, मस्ती करी एक। He did not give Appu anything to eat. उसने Appu को कुछ भी नहीं दिया इधर। उसने सोचा कि चलो एक ट्रिक करते हैं। He took out his needle.
इंस्टेड एंड प्रिक्ड अपूस ट्रंक. उसने क्या किया, एक निडल निकाली और अपू की ट्रंक में लगा दी. अपू रैन अवे इन पेन. अपू को बहुत दर्द हुआ. आपको कोई अगर पिंच चुबाता है जैसे दर्द होती है ना, ऐसे ही एलिफेंट की ट्रंक पर, अपू की ट्रंक पर जब कालू ने निडल लगा दी, ये तो इसकी ट्रंक, इसकी सूंड जिससे ये पानी पीता है, खाना खाता है, उस पर निडल लगा दी. तो उसको बहुत दर्द हुआ, वो भागा भागा गया. उसके बाद क्या हुआ, टू डेज लेटर अपू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर. उसके बाद क्या हुआ, दो दिन बाद क्या हुआ, अपू जो आता है पानी से, खूब सारा पानी अपनी ट्रंक में भर के ले आता है. ही रीच कालूज शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर. कालू की दुकान पे पहुंच गया, शॉप पर पहुंच गया और पानी जो है इधर उधर उधर सब जगह फेंक दिया उसने. ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकम वेट. जो नए कपड़े थे वो सारे गीले हो गए. टेलर की दुकान पर बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो कालू की दुकान पर बहुत सारे कपड़े थे शॉप पर, उन सब पे पानी फेंक दिया अपू ने. अपू शूक हिज ट्रंक एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स. एलिफेंट कभी कुछ नहीं भूलता, कालू को बोलता है अपू. कालू सेड आई एम सॉरी अपू, लेट्स बी फ्रेंड अगेन. कालू कहता है आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हारी ट्रंक पर निडल लगा दिया, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन. हम दोबारा फ्रेंड्स बन सकते हैं, दोबारा फ्रेंड बन जाते हैं. कालू एंड अपू बिकेम गुड फ्रेंड्स. तो वो दोनों गुड फ्रेंड्स बन गए दोबारा से. उसने सॉरी बोल दिया कालू ने अपू को, तो वो दोबारा फ्रेंड्स बन गए. वो हैप्पी हैप्पी रहने लगे. फ्रेंड पेन, पेन मतलब दर्द. शॉप टेलर ट्रिक वेट, वेट मतलब गीला. लेट्स सी द टेलर हैड अ शॉप. टेलर की एक शॉप थी. आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. आपके भी हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. हु वॉज कालू, कालू कौन था. कालू वॉज अ टेलर. कालू जो था वो टेलर था. हु वॉज अपू, अपू वॉज एन एलिफेंट. एलिफेंट था अपू. वेयर वॉज कालू शॉप, कालू की शॉप कहाँ थी. कालू की शॉप नियर के पास, रिवर के पास थी. कालू हैड अ शॉप नियर द रिवर. कालू हैड अ शॉप नियर द रिवर. What trick did Kalu play on Appu? Appu ने कालू ने अप्पू पर क्या ट्रिक प्ले करी. उसने क्या किया, उसने उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया. यहाँ he did not give anything to eat. He took out his needle and instead and prick Appu's trunk. ये इसका आंसर हो गया. ये थर्ड हो गया. How did Kalu's clothes become wet? कालू के कप हाउ डिड कालूज क्लोथ बिकम वेट. कालू के कपड़े कैसे गीले हो गए. कालू के कपड़े इसलिए गीले हो गए क्योंकि अपू आया और रिवर से खूब सारा अपनी ट्रंक में पानी भर के ले आया, और कालू की जब शॉप पर पहुंचा तो पानी इधर उधर फेंक दिया, तो उसके सारे कपड़े गीले हो गए. वट डू यू डू, लेट्स टॉक व्हेन समवन ट्रबल्स यू. अगर आपको कोई परेशान करे तो आप क्या करोगे. When you are angry, when you don't want to share, when someone asks for a pencil, हम उसको पेंसिल दे देंगे. Let's talk. ये आपको जस्ट डिस्कस करना है, आप किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, उन्हें शेयर करना है. What games you play with your friends? आप अपने फ्रेंड के साथ कौन सी गेम प्ले करते हो. जैसे लूडो लिख सकते हो आप, चेस लिख सकते हो, स्नेक एंड लेडर, कुछ भी कर सकते हो. कैन यू वॉक एंड मेक साउंड लाइक एन एलिफेंट. कर सकते हो तो लिखना, नहीं तो नो लिखना. आपका आंसर आता, क्वेश्चन आता, द टेलर हैड शॉप नियर द रिवर. वेयर इज योर हाउस, आपका हाउस कहाँ पर है. आंसर माई हाउस इज नियर. आपका हाउस कहाँ पर है आप वो लिखना. मेरा हाउस तो शास्त्री नगर मेट्रो के पास. Make some more sentences like the above beginning with words like my school, my friend's house, the well, elephant, aeroplane, my book. आपको इनसे कुछ sentences बनाने हैं.
एलिफेंट हैज फोर लेग्स. माय फ्रेंड हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल. इसी तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने. ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क. Say aloud, jam, jeep, joy, jug, juice, pan, pen. P-A-N को बोलते हैं pan, P-E-N को बोलते हैं pen. Pick, pink, put, ear. Yell, yellow, yes, young, zebra, zigzag, zip, zoo, zoom. Pick the odd one out, one has been done for you. आपको odd one out pick करना है. Apple, banana, elephant, grapes. Elephant animal है, बाकी सब fruits. So Sunday, moon, Monday, Friday. Moon. क्योंकि Sunday, Monday ये सब हमारे days हैं. Rabbit, March, May, April. Rabbit आएगा आपका, because ये जो है आपके month के name हैं. Bus. ये हो गया आपका कैन, हो गया शिप, हो गई एरोप्लेन, या आपकी कैटल लाइट, जार, बिल का जार, बुक, इरेजर, पेंसिल. ये आपका स्टेशनरी का आइटम हो गया सर. ये देखो आपका अनियन, रोज, टोमेटो, कैरेट. रोज ये बिकॉज ये आपसे वेजिटेबल्स हैं. ये आप डॉक्टर, पोस्टमैन, टेबल, टेलर, टेबल, ये सब आपके सर्विस, जो आपको सर्विसेज देते हैं वो है. ये आपका होमवर्क है, आपको एक फ्रेंडशिप बैंड बनाना है. एंजॉय दिस पिक्चर डिक्शनरी. हम ये इन्हें पढ़ते हैं. एप्पल, बलून, कैप, डॉग, एलिफेंट, फिश, ग्रेप्स, हेलीकॉप्टर, इग्लू. ये वहां पे होता है जहाँ पे बहुत सारी आइस होती है. जग, काइट, लैंप, मून, नेस्ट, ऑरेंज, पिकक, क्विल्ट, मतलब रजाई. सर्दियों में हम रजाई ओढ़ते हैं, विंटर्स में. रोज, शीप, टोमेटो, अम्ब्रेला, वायलिन, वेल, एक्समस ट्री, यॉट, ज़ेब्रा. इसी के साथ आपका यूनिट 10, चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है. कल से हम हिंदी रिंगम की बुक स्टार्ट करेंगे.